देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जब एक माहौल है, खास करके जो शोषित तबके के लोग हैं उनके ऊपर एक अघोषित युद्ध की घोषणा की जा चुकी है और बार बार उनके साथ वायलेंस किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार बढ़ा है। आप देखिए, चाहे वो ऊना की घटना हो, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, या अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से रोहित वेमुला के साथ हुआ, जिस तरीके से डेल्टा मेघवाल के साथ हुआ, जिस तरीके से मुथू कृष्णन के साथ हुआ, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो दलित आदिवासी हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, और जो गरीब जनता है इस देश की, चाहे उसमें किसान हो या सीमा पे लड़ने वाले जवान हो, उनको आज हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। हम समझते हैं यहाँ पे हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, देश के अंदर ये अघोषित युद्ध बंद होना चाहिए, यह हिंसा रुकनी चाहिए और संविधान के हिसाब से सबको जो बराबरी का हक मिला है वो बराबरी के हक को अक्षुण रखा जाए, उस पर कोई हमला बर्दाश्त न की जाए। देखिए, मैं बार बार इस पर स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैंने सरकार को, स्टेट को, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए। ये जो बाइसनेस है, उस बाइसनेस के चलते क्या होता है कि स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है, और जहां भी स्टेट मशीनरी फेल होता है वहां वायलेंस होता है, और इसका एक सीधा सा उदाहरण जो है आपको पूरे देश के अंदर दिखेगा कि स्टेट मशीनरी कहीं ना कहीं जस्टिस को डिलीवर करने में फेल हो रही है। वो जो है बाइस्ड है, उसके अंदर जो है एक भेदभाव की नीति है, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ उसकी जो है मंशा रहती है और एक खास कम्युनिटी को अपना समर्थन देना चाहती है। जब तक इसमें ये स्टेट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर नहीं करेगी, इस तरीके का वायलेंस और काउंटर वायलेंस की स्थिति रहेगी। मैं समझता हूँ कि एट्रोसिटीज को जो रोकना है यदि, तो आपको जस्टिस डिलीवर करना पड़ेगा। आज 21 तारीख है और आप जानते हैं कि भगाना के अंदर जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ उसके इतने साल हो गए और जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ है, और जब जस्टिस डिलीवर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो जनता जो प्रताड़ित होती है, जिसके साथ इनजस्टिस होता है, वो एक जो है वल्नरेबल सिचुएशन में जाती है, इम्पेशेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेट का पूरी तरह से फेलियर है और इस वायलेंस को रोकने के लिए जरूरी है कि स्टेट मैकेनिज्म ठीक से काम करे, और हम लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हम वायलेंस और काउंटर वायलेंस के समर्थक नहीं है, वी आर प्रो पीपल पीपल, हम लोग जो है जस्टिस चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के पीछे जो सहारनपुर में हुआ कोई राजनीतिक हाथ है? देखिए, राजनीतिक हाथ से ज्यादा मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार और उसकी जो मशीनरी है उसका ये फेलियर है, और विचारधारा के तौर पे मेरा मानना है कि मनुवाद जो है इस समाज के अंदर, जो जातिवादी व्यवस्था है, वो लगातार समाज को तोड़ने में, इसके विभाजन में अपनी भूमिका निभा रही है। कि ये सिंपल सी बात है कि राज्य सरकारों को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। हम जब कहते हैं संविधान की बात, इसकी प्रस्तावना वी द पीपल से शुरू होता है, इसमें तमाम जाति के लोग हैं, उनके साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरह का वायलेंस जो सोसाइटी के अंदर शांति को भंग करता है, हम लोगों से अपील करते हैं कि उसका हम समर्थन ना करें। लेकिन जो जस्टिस का सवाल है उसको हमको हर हाल में इंश्योर करना पड़ेगा, और ये राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है। अनबायस्ड तरीके से उनको जस्टिस इंश्योर करना चाहिए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ करके उनके ऊपर जो है रूल ऑफ लॉ के तहत जो मामला बनता है वो कार्रवाई करें, और जो लोग विक्टिम हैं उनका जल्द से जल्द जो है पुनर्वास किया जाए, रिहैबिलिटेशन किया जाए।